गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टोरी ऑफ द डे। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट यस्टरडे। कल क्या हुआ कि कल हम सुबह सुबह उठे और हम जो है टाउन सेंटर की तरफ चल दिए। टाउन सेंटर जाने के कुछ मकसद थे। पोस्ट ऑफिस हमने जाना था। पोस्ट ऑफिस में हमने जो है ब्लैंकेट हमने कुछ खरीदे थे ऑनलाइन, वो हमें पसंद नहीं आए तो वो हमने रिटर्न करने थे। हमने एक लैपटॉप रिसीव करना था तो हम चल दिए जी टाउन सेंटर की तरफ। जैसे ही हम टाउन सेंटर पहुँचे तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का पता चला कि पोस्ट ऑफिस अभी ओपन होना है। पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ, वेट किया और देन जो है हम पोस्ट ऑफिस गए तो पोस्ट ऑफिस वालों ने कहा कि जनाब जी तुसी जलील होने लगे हो ते तुसी गलत एड्रेस से आ गए हो तो तुहानू उधर तुहाडे कोल जड़ा पोस्ट ऑफिस है उत्थे जाना चाहिए। तो दिल टूट गया भाई। तो फिर हमने कहा चलें ठीक है, आप नहीं लैपटॉप दे सक रहे, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो हम उधर चले जाते हैं, तो लिहाजा आप ये जो ब्लैंकेट्स हैं ये तो रिटर्न करवा लें, ये तो पोस्ट कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, हमारे पास प्रिंटिंग फैसिलिटी भी नहीं है, अपना जो प्रिंट रिटर्न एड्रेस है वो जाएँ प्रिंट करवा के लेके आएँ, एक और मुसीबत नाल पैगी गले। तो फोटोकॉपी शॉप पे गए, फोटोकॉपी शॉप पे जाके उन्होंने बताया हाँ जी हम बड़े वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, वी कैन प्रिंट योर पेपर। ठीक है जी, बड़े खुश हो के हमने कहा ठीक है कर दें जी। जब प्रिंट किया उन्होंने उनकी बात आई तो भाई मेरे तो होश ही उड़ गए यार, पूरे के पूरे 4 पाउंड के अंदर आपको A4 साइज़ का प्रिंट मिला। मैं सोच भी नहीं सकता कि कभी इतना महंगा भी प्रिंट करवाना है। अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो इट्स ऑल अबाउट 1500 रुपीज़, तो 1500 रुपीज़ में पूरा रिम आ जाता है पाकिस्तान में। तो खैर मजबूरी थी, हमने प्रिंट कराया, उसको पोस्ट किया और हम वापस आ गए। वापस क्यों आए कि मस्जिद हमने जाना था, नमाज का टाइम हो गया था और जुमे का टाइम था। एक्चुअली हमारे आसपास कोई करीबी मस्जिद नहीं है तो हमें हॉस्पिटल का जो प्रेयर एरिया उन्होंने जो है ना मस्जिद बनाई हुई है वहाँ पे हमने नमाज पढ़ी और जुमा पढ़ा। जुमे के बाद फिर हमें दोबारा एक दफ़ा पोस्ट ऑफिस जलील होना था, हमने जो हमारे करीबी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाना था। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे खैर लैपटॉप मौजूद था, हमने वहाँ से लैपटॉप रिसीव किया। मुनीब भाई ने वहाँ पे प्रॉपर जो है मेरे बिहाफ पे साइन किए और हमने लैपटॉप रिसीव कर लिया। उसके बाद जो है ना हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, हमारा दूध ख़राब हो गया था तो हमने वहाँ से फ्रेश मिल्क पकड़ा और मुनीब भाई ने एक स्पेशल वाली डिश बनानी थी, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स उनको चाहिए थे वो वहाँ से इकट्ठे करते रहे। उसके बाद हम आए और आके हमने जो है ना अनबॉक्सिंग की। मुझे पता है मैंने ये जो अनबॉक्सिंग की है ये बड़ी जंगली तरीके से की है, लेकिन क्या करें बस कर दी। तो दिस इज़ लैपटॉप जी। तो इस लैपटॉप के जो स्पेक्ट्स हैं कल हम आपको बताएंगे कि ये लैपटॉप है क्या।